अभिषेक जी पापा। बेटे कैसे हो तुम? ठीक हो पापा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बेटे क्या हुआ तुम्हारे जॉब का, मिला क्या? पापा मैंने हर जगह अप्लाई किया हुआ है लेकिन कहीं से भी कुछ जवाब नहीं आया। बेटे तुम्हें 2 साल हो गए इंजीनियरिंग के और अब तक तुम्हें जॉब नहीं लगी। बेटा अगर जॉब लगती ना, सबसे पहले लोन चुकानी है, तुम्हारी बहन की शादी करानी है। हाँ पापा आई नो, मैंने हर जगह मैंने अप्लाई किया हुआ है, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। आप टेंशन मत लो, जल्द कुछ कहीं से खबर आएगी। ठीक है बेटे, ख्याल रखना अपना। जी पापा, आप भी ध्यान रखिएगा। गुड मॉर्निंग सर। सर दिस इज माई रिज्यूम सर। रिसेंटली आई पास माई इंजीनियरिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉब सर। सर प्लीज लेट मी नो इज देयर एनीथिंग फॉर मी सर। सॉरी यू डोंट हैव एनी स्किल्स, सो नहीं आपके लिए यहाँ कोई भी काम। हाय सर, अभिषेक बोला सर। सर मैंने अपने रिज्यूम सेंड किया था सर आपको, आपने कहा था कि नेक्स्ट वीक फ़ोन करना सर, नेक्स्ट वीक। हाँ सर, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया सर आपके तरफ से सर। लेकिन ये मैंने जी सर, सर प्लीज़ लेट मी नो, मैं इतने टाइम से आपको कर रहा हूँ सर।
सर प्लीज़ मेरे लिए हो तो सर ज़रूर बताइए सर, लाइक बेटे तुम्हें 2 साल हो गए इंजीनियरिंग के, सॉरी, और अब तक तुम्हें जॉब नहीं लगी। यू डोंट हैव एनी स्किल्स। बेटा अगर जॉब लगती ना तो सबसे पहले लोन चुकानी है। सो नहीं है आपके लिए यहाँ कोई भी काम। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और आज मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, लेकिन ये करने से पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं उन्हीं युवाओं में से हूँ जो एक पढ़ा लिखा बेरोजगार है जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है लेकिन जॉब नहीं है। पता है मैं किसी इंटरव्यू के पास जाता हूँ ना
जॉब मांगने के लिए तो क्या कहते हैं कि मेरे पास एम्प्लॉयड स्किल नहीं है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। सर समझ में नहीं आता, ये मेरी कॉलेज डिग्री, स्कूल सर्टिफिकेट, इसके लिए क्या काफ़ी नहीं मुझे साबित करने के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ कि नहीं हूँ? इतना पढ़ने का क्या फायदा? किसको दोष दूँ? गवर्नमेंट को दूँ, एजुकेशन सिस्टम को दूँ, या खुद को दूँ? मैं इसमें गलती ना कहीं हम नौजवानों की है, जो अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को खुद को गधा बनाने में लगा देते। हमको लगता है कि हमने इंजीनियरिंग कर ली और क्या चाहिए, लाइफ ब्राइट है, शॉर्टेज है लाइफ। नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की, लेकिन अब टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं अपने अपने सपनों को हकीकत बनाने में दिन रात मैंने मेहनत की। नहीं होता भाई, अंदर अंदर से मैं खत्म हो रहा हूं, नहीं रही हिम्मत मेरे में, नहीं झेल सकता है सोसाइटी का तने। मैं बेरोजगारी बनना चाहता हूं साला, मैं अपनी ये लाइफ ही खत्म कर दूंगा, मैं नहीं जीना है मुझे।